मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि विज अविज क्या है, तो आइए फ्रेंड देखें कि विज अविज क्या है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि विज क्या है। तो आइए इन दोनों कंसेप्ट को डिटेल से समझें। विज अविज फ्रेंच वर्ड विजैज से बना हुआ है जिसका मतलब होता है फेस टू फेस यानी आमने सामने। हालांकि विज अविज का दो और मीनिंग होते हैं जैसे की तुलना में या के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि विज अविज को आमने सामने के सेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहना हो कि वे लोग टेबल पर आमने सामने बैठे तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे सेट विज अविज एट द टेबल, यानी वो टेबल पर आमने सामने बैठे। आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं दे सेट फेस टू फेस एट द टेबल, यानी वे आमने सामने बैठे, फेस टू फेस बैठे। अगर आपको कहना हो कि वह मुझसे आमने सामने बात नहीं कर सकता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कांट टॉक टू मी विज अ विज, यानी वह मुझसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकता है, आमने सामने बात नहीं कर सकता है। मेरा दोस्त और मैं बस में आमने सामने खड़े थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड एंड आई स्टूड अप विज अ विज इन द बस, यानी उस बस में मेरा दोस्त और मैं आमने सामने खड़े थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि विज अविज का एक मतलब होता है आमने सामने यानी फेस टू फेस। विज अविज का एक मतलब होता है की तुलना में। जैसे अगर आपको कहना हो पिछले महीने की तुलना में इस महीना मैं कम पैसा कमाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अर्न लेस मनी दिस मंथ विज अविज लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने की तुलना में इस महीना मैं कम पैसा कमाया, पिछले साल की तुलना में इस साल मैं ज्यादा व्यूज पाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट मोर व्यूज दिस ईयर विज अविज लास्ट ईयर, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल मैं ज्यादा व्यूज पाया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि विज अविज का एक मतलब होता है की तुलना में। आइए अब विज और विज का तीसरा यूज देखें। विज अविज का एक मीनिंग के बारे में भी होता है, जैसे आप मेरी टीचिंग के बारे में क्या कहेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू से विज अविज माई टीचिंग, यानी आप मेरी टीचिंग के संबंध में या बारे में क्या कहेंगे। अगर आपको कहना हो कि बम ब्लास्ट के बारे में पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की यानी कोई कमेंट्स नहीं दिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस गेव नो कमेंट्स विज अ विज बम ब्लास्ट, यानी बम ब्लास्ट के बारे में पुलिस ने कोई कमेंट नहीं दिए या कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको विज अ विज समझ में आया। आइए अब देखें कि विज क्या है। विज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो आज मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाया शुड और गुड, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टुडे आई टॉट यू टू टॉपिक्स विज शुड एंड गुड, यानी आज मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाया उदाहरण के लिए शुड और गुड। मैंने आप लोगों को कुछ नया टॉपिक्स पढ़ाया है जैसे डेटेड बैक टू टिपिकली या इन बिहाफ ऑफ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव टॉट यू सम न्यू टॉपिक्स विज डेटेड बैक टू टिपिकली एंड इन बिहाफ ऑफ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि विज का मतलब होता है जैसे या उदाहरण के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया और आपने शानदार तरीके से समझा कि विज अविज या विज क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।